बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, रहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, शुक्रिया। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वस्सलाम जी। हजरत जी, मुझे मुझे आप प्लीज कोई वजीफा बता दें। मैं आपकी रेगुलर कॉलर हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी सास और नंद और उसके कुछ दोस्तों ने मेरे शौहर से बिल्कुल अपने मेरे शौहर को अपने तरफ कर लिया है, और वो कोई मेरी बात नहीं सुन रहा है और उन्हीं की बात सुन रहा है, और वो मुझे तलाक दिलवाना चाहते हैं। बिल्कुल मामला तलाक तक पहुँच गया है, तो ऐसा कुछ बता दें कि वो मेरी सास नंद जो है वो मेरे शौहर का पीछा छोड़ दें, और उनमें कुछ और उनके दोस्त जो हैं जो कुछ साजिश में मुलव्वस हैं, तो वो उनसे खत्म हो जाए उनका ताल्लुक, और वो मेरा शौहर मेरी तरफ हो जाए और मेरी हस्बैंड है, और मुझे मेरी तरफ उसकी जो नफरत भर गई है वो खत्म हो जाए, और वो मेरे साथ रहे और मेरी बात सुने और मेरी तरफ। ठीक है, ठीक है। माशाल्लाह माशाल्लाह, तआला आपकी मुश्किल को दूर फरमाए। आपके हस्बैंड आपसे मोहब्बत करने लगे, और ससुराल में ख़ास तौर पे जो आपके ख़िलाफ़ साजिश हो रही है, उस साजिश से अल्लाह तबारक व तआला आपको महफूज करे। और वाकई अगर वो साजिश कर रहे हैं इस किस्म की, वो साजिश उन्हीं पर लौटे और आपकी अल्लाह हिफाजत फरमाए। बाकी पढ़ने का आप नोट कर लें। या अल्लाह, या रहमानु, या रहीमु, ये अल्लाह के तीन नाम हैं। इनको आपने 101 दफ़ा पढ़ना है, तीन मरतबा पढ़ेंगे एक काउंट होगा। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, ये 101 दफ़ा अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ़, ये पढ़ के आपने दुआ करनी है कि दिल नरम हो जाए आपके शौहर का, आपसे मोहब्बत करने लगे, मेहरबान हो जाए, और जो भी दुश्मन है वो सब आप पर मेहरबान हो जाए, और ये तलाक की जो नौबत आई ये ख़त्म हो जाए, उल्फत मोहब्बत बढ़ जाए। इस नीयत से आप ये शुरू करें और सीने पे दम अपने करें और हाथ उठा के दुआ कर लिया करें। 41 डेज़ पाबंदी से करें, नागे के दिनों में भी ये जिक्र किया जा सकता है, तो उसके बाद इंशाल्लाह अल्लाह आपके हालात दुरुस्त कर देंगे। मैं भी दिल से दुआ करता हूँ।